अबकारी नीति मामले में ईडी की गिरफ्त में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जहां अब अरविंद केजरीवाल 15 अप्रैल तक तिहाड़ जेल में रहेंगे, मतलब न्यायिक हिरासत में रहेंगे। जब आज ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट लेकर पहुंची तो उसने आज ईडी की कस्टडी नहीं मांगी, मतलब रिमांड नहीं मांगी। 4 दिन की रिमांड पूरी करने के बाद आज ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची थी, जहां ईडी ने खुद कहा कि अब उन्हें और रिमांड नहीं चाहिए, लिहाजा अरविंद केजरीवाल को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाना चाहिए। आपको बता दें कि कोर्ट में आज क्या क्या हुआ जब ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल को लेकर पहुंची। जो सबसे बड़ी जानकारी आज ईडी ने कोर्ट को बताई है वो ये बताई है कि अरविंद केजरीवाल ने पूछताछ में ये कहा है कि जो विजय नायर ईडी ने गिरफ्तार किया था आबकारी नीति मामले में, वो जब अरविंद केजरीवाल को बताया गया विजय नायर के बारे में, तो अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल को विजय नायर रिपोर्ट नहीं करते थे, बल्कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को विजय नायर रिपोर्ट करते थे। ये बड़ी जानकारी आज ईडी ने कोर्ट को बताई है। इसके अलावा और क्या क्या हुआ बिंदुवार तरीके से आपको बताएंगे। जब ईडी की टीम कोर्ट लेकर पहुंची अरविंद केजरीवाल को कावेरी बावेजा की कोर्ट में, तो वहां आज ईडी की टीम ने कोई रिमांड नहीं मांगी, सीधे तौर पर कहा कि अब और कस्टडी की ज़रूरत नहीं है, लिहाजा जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाना चाहिए। तो अब अरविंद केजरीवाल को जो तिहाड़ जेल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, क्या कुछ हुआ वो सब आपको बताते हैं। जब अरविंद केजरीवाल कोर्ट में आ रहे थे तो उनकी तरफ से भी एक रिएक्शन सामने आया था। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने 3 किताबें पढ़ने के लिए मांगी, जिसमें भगवद्गीता, रामायण और हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, जो कि पत्रकार नीरजा चौधरी ने ये किताब लिखी है। 3 किताबें अरविंद केजरीवाल ने आज पढ़ने के लिए मांगी। इसके अलावा रेगुलर मेडिसिन की मांग की गई है। और आपको बता दें कि जब अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल ले जाया जाएगा तो तमाम जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन किया जाएगा, चाहे मेडिकल कराया जाना हो। जो जानकारी मिल रही है कि तिहाड़ जेल में ही अरविंद केजरीवाल का मेडिकल होगा। लेकिन आज जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आई, जो ईडी ने कोर्ट को बताया, उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि विजय नायर की रिपोर्टिंग आतिशी और सौरभ भारद्वाज को है, ये बात अरविंद केजरीवाल ने ईडी को बताई है। इसके अलावा अगर बात करें तो ईडी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। ये ईडी की तरफ से उस याचिका में बताया गया है जिसमें उन्होंने कहा कि अब अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल भेज दिया जाना चाहिए। और क्या क्या है आपको पॉइंट, हर उसका पॉइंट बताते हैं। जो अरविंद केजरीवाल को जब ईडी ने आरोपी विजय नायर के बयान दिखाए तो उन्होंने कहा कि सौरभ भारद्वाज और आतिशी को विजय नायर की रिपोर्टिंग थी और बहुत कम इंटरेक्शन विजय नायर का अरविंद केजरीवाल के साथ था। लेकिन ईडी ने यह भी बताया कि विजय नायर के मुताबिक वो खुद एक कैबिनेट मंत्री के घर पर रहकर आबकारी नीति तैयार कर रहे थे, सीएम कैंप ऑफिस में वो काम करते थे। इस पर अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर कोई जवाब नहीं दिए। ईडी के मुताबिक जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने गोलमोल जवाब इस पर दिया। तो ये जानकारी ईडी ने आज कोर्ट को बताई है। इसके अलावा और जो महत्वपूर्ण पॉइंट ईडी ने बताए हैं, ईडी ने कोर्ट को बताया है कि विजय नायर कोई मामूली वॉलेंटियर नहीं थे, बल्कि वो एक कम्युनिकेशन इंचार्ज थे आम आदमी पार्टी के। इसके अलावा ईडी ने जो कोर्ट को बताया वो ये कि अरविंद केजरीवाल को विजय नायर के कई व्हाट्सएप चैट भी दिखाए गए, जो अरविंद केजरीवाल और विजय नायर के करीबी रिश्तों को दर्शाते हैं। ये ईडी की तरफ से आज कहा गया, जो याचिका जुडिशियल कस्टडी के लिए ईडी ने कोर्ट में लगाई थी। तो ये तमाम बातें आज कोर्ट में हुई है, जहां अरविंद केजरीवाल को अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आपको बता दें कि इससे पहले अरविंद केजरीवाल को 28 तारीख को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था, जहां 4 दिन की रिमांड में उनको भेज दिया गया था। आज वो 4 दिन की रिमांड पूरी हुई। इससे पहले जब 21 तारीख को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था, तब 22 तारीख को कोर्ट में पेश किया गया और 6 दिन की रिमांड पुलिस को मिली। इसके अगर हम कहें तो करीब 10 दिन अरविंद केजरीवाल ईडी की रिमांड में रहे। और जो चीज़ निकल कर सामने आ रही है वो ये कि ईडी ने जो कोर्ट को बताया वो ये कि अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं,
और जो जानकारी मिली वो ये कि अरविंद केजरीवाल जो उनका फ़ोन है उसका पासवर्ड नहीं बता रहे हैं, जिसके बाद ईडी ने एक ख़त एप्पल को भी लिखा है, ये जानकारी सामने आ रही है। तो लगातार इस पूरे मामले में डेवलपमेंट आगे बढ़ रहा है और अब जो दो नए नाम निकल कर सामने आए हैं जो ईडी ने कोर्ट को बताए हैं वो आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज का एक नाम है। दूसरा नाम आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली सरकार में बहुत सारे विभाग संभाल रही आतिशी का नाम है। तो अब सवाल ये है कि क्या ईडी आतिशी और सौरभ भारद्वाज को भी आबकारी नीति मामले में पूछताछ के लिए बुलाएगी? ये सवाल आज के उस ईडी के बयान से खड़ा हो गया जो उसने कोर्ट में दिया है। तो अरविंद केजरीवाल की तरफ से साफ तौर पर यही कहा गया कि विजय नायर की रिपोर्टिंग जो थी वो उनको नहीं थी बल्कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को थी। आपको बता दें कि सौरभ भारद्वाज उस वक्त चीफ स्पोक्स पर्सन थे जब विजय नायर कम्युनिकेशन इंचार्ज होते थे। तो क्या वो कड़ियां जोड़ने की कोशिश है, क्या उस हैसियत से ये कहा गया कि उनकी रिपोर्टिंग सौरभ भारद्वाज को थी? तो ये ऐसे तमाम पहलू हैं जब और जांच में आगे बढ़ेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार इस पूरे मामले पर आक्रामक है केंद्र सरकार को लेकर, केंद्र सरकार पर। इससे पहले भी जब चार दिन पहले अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया गया तो उन्होंने खुद अपनी तरफ से इस पूरे मामले में जिरह की थी और उन्होंने अपना पक्ष रखा। उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि चार आधार पर उनकी गिरफ्तारी बताई जा रही है। जो पहला आधार है वो ये कि जो मनीष सिसोदिया के उस वक्त के एक ऑफिसर थे उनकी मुलाकात अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुई मनीष सिसोदिया से, जिस पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनके घर पर बहुत सारे विधायक आते हैं, अफसर आते हैं, मंत्री आते हैं, तो उनको उसके बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं है। इसके अलावा उनकी तरफ से एक और दलील रखी गई शरद चंद्र रेड्डी जो कि एक बड़े शराब कारोबारी हैं उनकी तरफ से, और ये आरोप अरविंद केजरीवाल ने लगाया कि उस जब शरद चंद्र रेड्डी ने नाम लिया उसके बाद उन्होंने 55 करोड़ का चंदा बीजेपी को दिया। इसके अलावा जो साउथ लोबी में MSR का जिक्र आया था तो उनके बारे में भी कहा था कि वो दिल्ली में एक ज़मीन मांगने का अनुरोध उनकी तरफ से किया गया और अरविंद केजरीवाल की तरफ से डिफेंड किया गया कि ये चारों ही आधार उनकी गिरफ्तारी के लिए नाकाफी हैं। तो वहीं ईडी भी लगातार अपनी दलील ये रखती रही कि अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो ये तमाम पहलू लगातार इसी तरह से चलते रहे, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जो आज रिमांड पूरी हुई थी उसके बाद अरविंद केजरीवाल को अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जहां अब वो तिहाड़ जेल में रहेंगे। तिहाड़ जेल में भी इसको लेकर पूरी तैयारियां की गई हैं। कई जो आला अधिकारी हैं तिहाड़ जेल के उन्होंने बैठक की है। अरविंद केजरीवाल जब तिहाड़ पहुँचेंगे तो वहाँ की तैयारियों का पूरा जायज़ा लिया है, किस तरीके से कहाँ उनको रखा जाएगा, क्या मेडिकल चेकअप्स किस तरह से होगा, और ये ऐसी तमाम तैयारियां हैं जो तिहाड़ जेल से जुड़ी हुई हैं। तो ये लगातार अब जो खबर अरविंद केजरीवाल को लेकर आ रही थी कि उनको क्या ईडी रिमांड मांग सकती है, उनकी ईडी ने रिमांड अब नहीं मांगी है। अब उनको सीधे यहां से तिहाड़ जेल वो जाएंगे और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उनको भेज दिया गया है। अब अरविंद केजरीवाल के पास क्या रास्ता बचता है? दरअसल ईडी की रिमांड का विरोध इसलिए किया जाता है कि जब तक कस्टडी में होते हैं तो पूछताछ चलती है, लेकिन अब जब न्यायिक हिरासत में अरविंद केजरीवाल को भेज दिया गया है तो अब वो अपनी जमानत अर्जी दाखिल कर सकते हैं, जो कि राउज अवेन्यू कोर्ट है वहाँ से जमानत का अर्जी दाखिल करने का सिलसिला चलेगा। अगर वहाँ से खारिज होती है तो फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किया जा सकता है। तो ये आबकारी नीति मामले का जो पूरा मामला चल रहा है उसको लेकर अपडेट थी। इसके अलावा 3 अप्रैल को एक और सुनवाई हाईकोर्ट में होनी है जिसको अरविंद केजरीवाल ने चुनौती दी हुई है, जो उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को लेकर चुनौती दी थी, जो ईडी की रिमांड को लेकर चुनौती दी थी उस पर 3 अप्रैल को सुनवाई होनी है। इसके अलावा एक और मामला ईडी के समन को लेकर जो अरविंद केजरीवाल ने चुनौती दी थी, जिन्हें वो लगातार अवैध बता रहे थे, उसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में 22 अप्रैल को सुनवाई होनी है। तो ये पूरी तरह से कानूनी पहलू है जो इस पूरे मामले में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार इस पूरे मामले पर आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया गया है। कल इंडिया गठबंधन की रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली हुई जिसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा जो गर्म रहा वो था अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का, जहां तमाम इंडिया गठबंधन के नेताओं ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध किया और तत्काल रिहाई की मांग की। तो वहीं
सबसे ज़्यादा नज़रें रहीं सुनीता केजरीवाल पर, जहां उन्होंने अरविंद केजरीवाल का संदेश पढ़कर सुनाया। और उस संदेश में अरविंद केजरीवाल ने न सिर्फ खुद को डिफेंड किया बल्कि अपनी तरफ से 6 गारंटियां भी उन्होंने रखी कि आने वाले लोकसभा चुनाव में अगर इंडिया गठबंधन जीतता है तो उनकी तरफ से 6 गारंटियां पूरी की जाएंगी। तो कल रामलीला मैदान में एक तरह से कहें तो तमाम बड़े नेता जुटे थे। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल थी, वहीं कांग्रेस से तमाम टॉप लीडर्स थे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी वाड्रा के अलावा और तमाम जो विपक्षी दलों के नेता थे, चाहे अखिलेश यादव हों, तेजस्वी यादव हों, तमाम नेता रामलीला मैदान में जुटे और उन्होंने सभी ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की निंदा की और तत्काल रिहाई की मांग की। ऐसे में जब देश चुनाव की दहलीज पर खड़ा है तो लगातार बीजेपी और आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मेरठ की रैली में कहा था कि कोई भी भ्रष्टाचारी बख्शा नहीं जाएगा, तो वहीं बीजेपी पर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने आरोप लगाया कि वो चुन चुन कर विपक्षी नेताओं को लगातार निशाना बना रहे हैं। तो ऐसे में लगातार ये राजनीतिक लड़ाई तो आगे बढ़ ही रही है, तो वहीं अब कानूनी जो इसमें प्रक्रिया चल रही है वो भी आगे बढ़ रही है। और यही वजह है कि आज जो सबसे बड़ी खबर है वो यही कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। और आज ईडी ने 2 नाम लिए अरविंद केजरीवाल के हवाले से कि विजय नायर की जो रिपोर्टिंग थी वो अरविंद केजरीवाल को नहीं थी बल्कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को थी। ऐसा अरविंद केजरीवाल ने ईडी को बताया।